विराट कोहली, जिनके बारे में कौन नहीं जानता, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी के बाद जिस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट टीम को मजबूती दी है और अपनी धाक बनाई है, वो है विराट कोहली, जिसने क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से बच्चे बच्चे के दिल में अपने लिए जगह बनाई है। उन्हें भारतीय क्रिकेट का बैक बोन कहा जाता है, क्योंकि वे दाएं हाथ से खेलने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और सबसे प्रतिभाशाली और होनहार क्रिकेटरों में से एक है। वर्तमान में विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान होने के साथ साथ सैकड़ों यूथ के स्टाइल आइकन भी है। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली की एक पंजाब माता का नाम सरोज कोहली है, जो कि एक साधारण बी परिवार में जन्म हुआ था। उनके पिता प्रेम कोहली, जो कि एक क्रिमिनल एडवोकेट थे, और उनकी सी घरेलू महिला हैं और अपने परिवार की देखरेख करती हैं। इसके अलावा विराट कोहली का एक बड़ा भाई विकास और बड़ी बहन भावना भी है। जब विराट कोहली महज 3 साल का थे, तभी से विराट के प्रिय खिलौने में क्रिकेट का बल्ला था। जैसे जैसे विराट की उम्र बढ़ती गई, उनका रुझान क्रिकेट की तरफ बढ़ता चला गया। वहीं विराट के पिता ने शुरुआत से ही विराट की दिलचस्पी को समझ लिया था, इसलिए वह विराट को हर रोज क्रिकेट का ट्रेनिंग के लिए लेकर जाते थे। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की प्रारंभिक शिक्षा विशाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली से हुई थी। पढ़ाई लिखाई में तो विराट एवरेज ही थे, लेकिन इनका सारा ध्यान हमेशा से क्रिकेट पर ही था, जिसके चलते विराट के पिता ने महज 9 साल की उम्र में क्रिकेट क्लब में दाखिला करा दिया था, ताकि विराट कोहली को क्रिकेट की बारीकियों के बारे में पता लगा सके। शुरुआत से ही विराट का क्रिकेट पर ध्यान था। वहीं सिर्फ खेल में ही रुचि होने की वजह से इन्होंने महज 12वीं तक शिक्षा हासिल की और इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से क्रिकेट पर ध्यान लगाना शुरू किया। आपको बता दें कि इन्होंने राजकुमार शर्मा से दिल्ली क्रिकेट सीखा और सुमित डोगरा नाम की एक अकेडमी में पहला मैच खेला। विराट कोहली दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने साल 2002 में अंडर 15 प्रतियोगिता खेली थी। इसके बाद साल 2006 में विराट कोहली का चयन अंडर 17 में हुआ था, जिसके बाद उनके खेल के तरीके से कई तरह के बदलाव देखे गए। इसके बाद साल 2008 में विराट कोहली को अंडर 19 प्रतियोगिता के लिए चुना गया था। विराट कोहली का अंडर 19 विश्व कप मैच मलेशिया में हुआ था और इन्होंने इस मैच में इंडिया को जीत दिलवाई थी। इसी मैच के बाद विराट का सिलेक्शन वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए हुआ था। उन्होंने ये मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था और फिर 2011 में उन्हें वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला था और उसमें भी इंडिया की जीत हुई थी। इसके बाद वे एक के बाद एक मैच खेलते गए और अब इनकी गिनती सबसे अच्छे बल्लेबाजों में होने लगी है और अब वे क्रिकेट की दुनिया के जाने माने खिलाड़ी के रूप में मशहूर हैं। साल 2011 में विराट कोहली ने टेस्ट मैच में अपनी जगह बना ली थी। इसके बाद उन्होंने ODI में 6वें स्थान पर बैटिंग शुरू की। इस दौरान उन्हें लगातार 2 मैचों में हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपनी हार से कभी निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी हार से सीख ली और वे निरंतर खुद को बेहतर साबित करते रहे और उसके बाद के मैच में इन्होंने 116 रन बनाए। वहीं ये वे मैच तो भारत को नहीं जीता पाए, लेकिन शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बने। यही नहीं, इसके बाद विराट कोहली ने कॉमनवेल्थ बैंक ट्रायंगुलर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ 7 में से 2 में मैच में जीत हासिल की। वहीं इसके फाइनल में जाने के लिए श्रीलंका के खिलाफ 321 रन का टारगेट था, जिसमें से विराट कोहली ने 133 रन बनाकर भारत को जीत हासिल करवाई और मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। विराट कोहली के लगातार बेहतर प्रदर्शन को देख उन्हें एक के बाद एक खेल के मौके मिल रहे थे। उन्हें साल 2012 में एशिया कप के लिए वाइस कैप्टन चुना गया था। इस दौरान विराट को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाने की भी बात की गई। ये कहा गया कि अगर विराट इसी तरह से क्रिकेट में प्रदर्शन करते रहे तो भविष्य में उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया जाएगा और बाद में उन्हें भारतीय इंडियन टीम का कप्तान भी चुना गया। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में उन्होंने 148 गेंदों में 183 रन बनाए और इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर 330 रन का रिकॉर्ड बनाया और उन्हें एक बार फिर मैच ऑफ द मैच बनाया गया। विराट कोहली ने 2008 में IPL का पहला मैच खेला था। उस दौरान विराट को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB की टीम के लिए 20 लाख रुपए में खरीदा था। इन्होंने तब 13 मैचों में 165 रन बनाए थे और 15 का एवरेज था। साल 2009 में इन्होंने RCB को फाइनल तक पहुंचाया था। उस रान अनिल कुंबले ने भी विराट कोहली की जमकर सराहना की थी।
लेकिन अभी तक इंडियन टीम में विराट का नाम परमानेंट नहीं हुआ था। 2014 में विराट कोहली का आईपीएल में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। इन्होंने महज 37 के एवरेज पर खेला। इसी दौरान एमएस धोनी ने टेस्ट कप्तानी से रिटायरमेंट ले लिया, जिसके बाद टेस्ट की कप्तानी विराट कोहली को सौंपी गई। कैप्टन के तौर पर विराट कोहली ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई और अपनी टीम को मजबूत करने में जुट गए। इसके बाद 2015 में ये 500 रन का रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रहे। 2016 में विराट कोहली ने एशिया कप और T20 में भारत के लिए और आईपीएल में RCB में खेले मैचों में अपना शानदार प्रदर्शन किया और अब विराट कोहली के खेलने का अंदाज लोगों को आकर्षित करने लगा था, इसलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। वहीं 2018 में आईपीएल में उन्हें 18 करोड़ में खरीदा गया। इसके अलावा विराट कोहली ने अपने T20 इंटरनेशनल मैच के करियर में शानदार पारी खेलकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, लेकिन कुछ मैचों में विराट कोहली को हार का भी सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया में सिर्फ 8 क्रिकेटरों ने 20 ओडीआई में शतक बनाए हैं और उन 8 क्रिकेटरों में विराट का नाम भी शुमार है। आपको बता दें कि विराट कोहली 20 ओडीआई में शतक लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज हैं। इनके पहले सचिन तेंदुलकर का नाम था। यही नहीं, क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, सौरभ और धोनी के बाद विराट कोहली ओडी में 3 साल में लगातार 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे क्रिकेटर बने। विराट कोहली 1000, 3000, 4000 और 5000 रन का रिकॉर्ड बनाने वाले सबसे तेज भारतीय क्रिकेटर हैं। इसी के साथ ये रिकॉर्ड के साथ साझा करते हुए 5000 रन बनाने वाले सबसे तेज इंटरनेशनल क्रिकेटरों में से भी एक हैं। विराट कोहली ने आज सफलता के इस मुकाम तक पहुंचे हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने में उन्हें कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वे कई विवादों में भी रह चुके हैं। वहीं क्रिकेट में अपने योगदान के लिए विराट को कई अवार्ड से भी नवाजा गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ दिसंबर 2017 में शादी के बंधन में बंध गए। इसके अलावा विराट कोहली अपने लुक के लिए भी काफी चर्चा में रहते हैं। बड़ी मात्रा में युवक विराट के लुक को फॉलो करते हैं। यही नहीं, विराट अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी गंभीर हैं। फिलहाल विराट ऐसे ही क्रिकेट की दुनिया में लगातार अपना नाम कमाते रहे और भारत का मान बढ़ाते रहे, यही हमारी कामना है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूज 9 को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें।